ये देखो कौन है, पहचानो उसको। हम नहीं करेंगे, हम जैसे नशे देंगे, नेचुरल अल्लाह का हुस्न। तो लड़के लड़कियों, वेलकम बैक हो गया आपका आज के फिर से नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग उठाऊँ, मैं तो अभी उठाऊँ, 9 बजने अभी 9 बजने वाले हैं। मैं अभी जस्ट उठाऊँ, कॉल कर ऑर्डर किया है और रात को 3 बजे सोया हूँ। इतनी खुशी थी मुझे मेरे बर्थडे की। ये देखो मेरी माँ लगी पड़ी है बुनने में सॉक्स, जो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। ये 2 कंप्लीट कर दी है। मैं तो कितनी बनाएगी, 2 जोड़ी बनाएगी, अच्छा 1.5 बने, 1.5 बने अभी हैं यार। लोग मानेगी नहीं, दोस्तों दिखाओ, मैं आपको दिखा दूँ कि मेरी माँ ने जो बनाया है ये बनाई है। मम्मी दिखाएंगी ना, देखो मम्मी ने बनाया है। अरे तुम देखो क्या बनाया है। तो मम्मी को दिखा रहा हूँ। अरे मैं कहाँ से बनाऊंगा यार, ये क्यों बोलती है बीच में। और एक ये बनाई है, तो इसको बोलना बहुत जरूरी है बीच में, ऐसे ना काम पे ध्यान दो। चलो गाइस अभी चाय तो बना दे, हाँ तो चाय। अरे चुप रहा, मेरा मन नहीं कर रहा चाय पीने का। चलो दोस्तों अगर चाय बना देगी तो पी लेंगे, तो मेरा मन नहीं कर रहा। तो गाइस आ गई है हमारी चाय और केक। मेरी मम्मी खा रही है सैंडविच, तो पीते हैं चाय और फिर फटाफट बाकी के काम करने हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम करने हैं, मुझे हेयर कट भी कटवाना है। तो गाइस नहा लिया हूँ मैं, तो साफ़ सुथरा हो गया हूँ। ये देखो सारे दिन ये बैठी रहती है ऐसे, नहा धो ले, अपने गीता वीता पढ़े, रामायण वामायण पढ़े, ये वो ये उत्तराखंड का नमक पीसने की विधि देख रही है। बताओ इस उम्र में विधि देख रही है, बच्चों से सीख रही है उसमें यूट्यूब पे, तेरे को तो आना चाहिए। और उसमें पीसना क्या है, सिलबट्टे में डालो, रगड़ दो उसको, बन गया नमक। भाई नाश्ता वास्ता क्या देगी, आलू के पराठे। तो गाइस खाते हैं आलू के पराठे, वैसे बना लिया हूँ, लेकिन मैं बाल कटाने भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं सेकंड हाफ में जाऊँगा क्योंकि वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, संडे है ना आज। तो गाइस हमारी चाय और आलू के परांठे आ गए। अरे अपने सीट पे बैठ गया दोस्तों, ये पहुँच गए हैं। वो एक वो आ गया सामने, ये मैक्स को तो लाए नहीं, तू तो कह रहा था मैक्स को लेके आ रहे हैं। क्यों पार्किंग के चक्कर, तभी तो कहाँ खड़ी खड़ी गाड़ी। वो देखो तेरे को देख के बोक रहा है, मैक्स को देख रहा है, मैक्स की बदबू आ रही है उसमें तेरे में से। जी बताओ तुमने ये जो चिकन बिरयानी मंगाई है, हैं तो बाकी घर का खाना कौन खाएगा। ये मुझे पता था ये यही बोलेगा कि मैं खाऊंगा वो। नहीं ये चीज बता, मतलब कि मैं चिकन बिरयानी क्यों खाऊंगा, हम वेज बिरयानी नहीं खा सकते हैं। दाल कौन खाएगा, दाल तू खाएगा ना रात को, तेरे को बांध के रह जाएंगे हम। एक आज इन्होंने तो चिकन बिरयानी मंगा ली है अपने लिए, किसी खुशबू से मेरे हो रहा है पर मैं खा नहीं सकता। काश ओए यार 1:30 बज गया, मुझे तो हेयर कट कराने भी जाना था। तो गाइस चलते हैं और कटवा के आते हैं अपने हेयर, हैंडसम बन के आते हैं। तो मतलब तैयारी शुरू हो गई है, तो ये इसकी शाम को पार्लर की सेटिंग चलेगी और मेरी तो एक ही चीज़ है, नाई से बाल कटवाए, शेव करी, कपड़े पहने, चल पड़े। चलो गाइस कटवा के आते हैं फटाफट बाल। तो गाइस पहुँच गया हम बार शॉप पर, चलते हैं अंदर। तो गाइस हेयर कट हो गया, तो यहाँ से चलते हैं घर। तो गाइस आ गया हूँ मैं, तो मैं घर आ गया हूँ बाल कटवा के, नाना तो है नहीं, अब थोड़ा बहुत फिर धो लेंगे बाद में। हेलो दोस्तों, कॉफ़ी पी लो दोस्तों, हमारी कॉफ़ी आ गई है। आज मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रहा, दूध वाली पी रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग पी रहे हैं दूध वाली, तो मैंने कहा मेरी ही बना दो। तो गाइस ये लोग तो जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी और निक्की भी, तुषार भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। बाय 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 बाय। तो क्योंकि मेरे को और इसको जाना है कल एंगेजमेंट पे। दोस्तों मेरा मूड अभी भी एक भयानक भयानक न्यूज़ से ख़राब हुआ है। ये लोग जा रहे हैं, कह रहे पीछे पीछे हमारे आओ, हमारे को क्या कहते हैं इसके हैंड बैग पता नहीं क्या क्या वहाँ से लेके आना, जैकेट वैकेट कोई जहर है, मेरे लिए नहीं, इसके लिए मैं अभी आ रहा हूँ। अरे यार चुप रहे, मैं जीन्स पहनूंगा दोस्तों, मैं जीन्स पहनूंगा, नहीं समझ, जीन्स पहनूंगा मैं जीन्स पहनूंगा दोस्तों, मैं जीन्स पहनना चाहता हूँ। ये मेरे को जबरदस्ती कुर्ता पजामा पहनना चाहते हैं एंगेजमेंट पे, मैंने कौन सा वहाँ मुजरा करना है। चलो बाय, तू भी जा, आइयो मत, निकल जा यहाँ से, भाग जा। तो गाजी ये लोग गए हैं, अब मेरे को पीछे पीछे जाना पड़ेगा, मेरे को तो मुसीबत मोल कर दी इन्होंने। मम्मी भी चली गई है, मम्मी अब आएगी 2 दिन के बाद, क्योंकि कल जाएंगे हम, फिर कल शाम को आएंगे, तो अगले दिन ये ट्यूसडे को आएंगे, मंडे को हमारी वहाँ एंगेजमेंट है। चलो मैं भी निकलता हूँ। मैं तो पहुँच गया था सामान लेने के लिए, अब वेट करते हैं
अब भाई की वाइफ आएगी या फोन आएगा, आएगी सामान लेके फटाफट भागेंगे। इतने सारे काम देखे ना मुस्कान ने, पूछो मत। अरे मार्केट जाना है, सब्जी लेके आनी है, क्योंकि कल फिर हम वहाँ सारे दिन बिजी रहेंगे, परसों से फिर वो बिजी हो जाएगी ऑफिस वगैरह में, मैं भी बिजी जाऊँगा। तो गाइज ये सामान आ गया हमारे हाथ में, सुमन दे गई है, और फटाफट निकलते हैं घर। गाइज देखो कौन है, पहचानो उसको, ये हमारे घर में एक भूत आई है। ये देखो उसकी तैयारी शुरू हो गई है शादी की। शादी की नहीं हुई है, उसकी हुई है एंगेजमेंट की। शादी की तो पता नहीं क्या करेगी भगवान जाने की। हम देखो मैं गिरी बाल सफ़ेद कर, ओ काले कर लो, सफ़ेद कर रहा हूँ। हम नहीं करेंगे, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, नेचुरल, अल्लाह का हुसन, नेचुरल ब्यूटी। अभी तो दिमाग ख़राब कर दिया है। अब ये मेरे को ले जा रही है मार्केट अपने सब्जी के लिए, फिर उसके बाद ये जाएगी पार्लर। कोई जहर है दोस्तों, जहर मेरे लिए नहीं, इसके लिए। इसको दे दो एक बार, ये ख़त्म हो जाए कहानी, किस्सा ख़त्म, सब किस्सा ख़त्म। तो गाइस कौन कौन बंदा है जो अपनी वाइफ के साथ दुकान में जाता है सब्जी लेने के लिए, और बेचारा वो खड़ा रहता है, और बीवी हमेशा के लिए तरह पता नहीं लेट आती है, जो मेरे साथ हो रहा भी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time। घंटों रखी मेरी जिंदगी की आवाज़ भी कैसी हो गई है। अभी जा रही है अपने पार्लर। अरे यार अभी जाएगी कब आएगी पता नहीं। आ गई महारानी, देखो ये आ गई अपने बालों का, अब कल तैयार होगी पता नहीं क्या। सही लग रहे हैं? मेरे को तो गुस्सा इतना आ रहा है, पूछ मत। पैसे खर्च हो रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है। सच बोलेगी तो गुस्सा तो मेरे को ना, एक्चुअल में क्या है, दिल तो कर रहा है कि ये ना बालों को क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, बस बोल ही सकता हूं मैं। अब खाना वाना बना ले, अब ना औकात पे आ जा, ये बना लिया चल। तो गाइस मेरा आ गया लंच, पता क्यों? क्योंकि लंच में ही था ये। नहीं नहीं मैं जांच की बोल रहा हूँ, ये कह रही है लंच या डिनर है। मैंने कहा ये लंच ही, एक्चुअली में लंच में ये खाया था तो ये वापस आ गया है, इसको मैं डिनर कहूँगा ही नहीं। लंच में, लंच जो था उसको डिनर बना के मुझे वापस दे दिया है। तो गाइस दूध वगैरह मेरा आ गया, दूध पीते हैं, और मेरी चल रही है एडिटिंग, तो इसको मैं जाले उसको क्लिप को भी डाल दूंगा इसमें, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कल हमें जाना है एंगेजमेंट पर। तो करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी। और अब बहुत सारे ब्लॉग ऐसे आएंगे अब इंटरटेनमेंट वाले, क्योंकि वहाँ पे हमने जाना है, तो पीरियडली जाना है, क्योंकि उनके अभी इंगेजमेंट है, फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद तनी उनका आई थिंक कुछ रस्म वगैरह होती है, कॉकटेल पार्टी वगैरह। हम तो पीते नहीं यार, फिर भी हम जाएंगे, और फिर शादी है तो वो भी आते रहेंगे। तो गाइस चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में जल्दी। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो कर देना लाइक, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब। ओके फिर बाय, टेक केयर एंड लव यू। सुनो। हाँ बोलो। अब क्या चाहिए? किडनी तुम अपने निकाल के? नहीं नहीं किडनी नहीं चाहिए। हाँ। वो ना सुबह पार्लर वाली आएगी, तो तुम प्लीज जल्दी उठ जाना। अब क्या हो गया, उसको क्या देना है अब? अरे कुछ करवा तो दिया नहीं हुआ ना, अभी अभी काम रहता है मेरा, तो वो सुबह आएगी, उसने कहा है। ऐसा ही हाल होता है जब लोग अपनी बीवियों पे खर्च करते हैं ना, तो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे तुम हो।